हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब हम दिल्ली, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बारे में सुनते हैं तो समझ ही नहीं आता है कौन क्या है। तो थोड़ी देर के लिए आप दिल्ली और न्यू दिल्ली इन सबको साइड में रख दीजिए और इन तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के साथ शुरू करते हैं जिनके नाम ए, बी एंड सी हैं। यहाँ सर्कल ए एनसीआर है, यानी नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन। सर्कल बी दिल्ली है और सर्कल सी न्यू दिल्ली है। तो अब हमारे पास एक मोटा मोटा आइडिया आ गया है कि कौन सी चीज़ अंदर है और कौन सी चीज़ बाहर। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है और न्यू दिल्ली एनसीआर और दिल्ली इन दोनों के अंदर आता है। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली स्टेट है और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, यानी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और अब इसका नाम नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी यानी एनसीटी दिल्ली का ऑफिशियल नेम है। दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली को भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सभी डिस्ट्रिक्ट को तीन सब डिवीजन में बांटा गया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अपना हेडक्वार्टर भी होता है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 11 डिस्ट्रिक्ट में से न्यू दिल्ली भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर कनॉट प्लेस है और सब डिवीजन दिल्ली कंटोनमेंट है। तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है जो एक डिस्ट्रिक्ट है। दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी है इंडिया की, जो इसका अब ऑफिशियल नेम भी है, और शॉर्ट में एनसीटी दिल्ली भी इसे कहते हैं। और दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, तभी इसे दिल्ली एनसीआर कहते भी आप लोगों ने कई जगह सुना होगा, जैसे न्यूज़ चैनल पे और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा। और अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि न्यू दिल्ली और दिल्ली ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अब न्यू दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि न्यू दिल्ली दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है और यह एनसीटी दिल्ली का केंद्र यानी राजधानी है और भारत की भी राजधानी है। ये भारत सरकार की कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, विधायी यानी लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी शाखाओं की एक सीट के रूप में कार्य करता है। यह इतिहास में है कि ब्रिटिश प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने के दौरान नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। यानी ब्रिटिश एरा के टाइम पे भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसके बाद न्यू दिल्ली बनी। और आपको बता दूं कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश के किंग जॉर्ज फिफ्थ ने फैसला सुनाया कि ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को कोलकाता से, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है, वहां से दिल्ली ले जाया जाएगा। और इसका कंस्ट्रक्शन का काम 1912 में दिल्ली शहर के केंद्र के दक्षिण में लगभग 3 मील यानी 5 किलोमीटर की जगह पर शुरू हुआ। और नई राजधानी को फॉर्मल यानी औपचारिक रूप से 1931 को समर्पित किया गया था एज न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। और एक चीज और है जो कई लोग करते हैं, लोग अपने पते यानी एड्रेस में नई दिल्ली 110007 के रूप में लिखते हैं, भले ही वे जिले नई दिल्ली में ना रहते हों, उन्हें बस दिल्ली 110007 के रूप में लिखना चाहिए। और यहाँ तक कि पिन कोड भी ओवरलैप हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए लोधी गार्डन डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली में स्थित है और पंडारा रोड डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली में है, लेकिन दोनों जगह के लिए पिन कोड 110003 है। तो आप समझ ही गए होंगे कि नई दिल्ली दिल्ली का एक जिला यानी डिस्ट्रिक्ट है और दिल्ली की राजधानी के साथ साथ भारत की राजधानी भी है। और अब बात कर लेते हैं एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में। एनसीआर एक राजधानी शहर के आसपास का क्षेत्र है, जैसे जापान और कनाडा ने भी अपने राजधानी क्षेत्र को एनसीआर नाम दिया है, इसलिए हमें अपने एनसीआर को दिल्ली एनसीआर कहना चाहिए। एनसीआर का काम सिंक होल की तरह होता है, जैसे जब सिंक में पानी भरने लग जाता है तो होल को खोल देते हैं जिससे पानी आसानी से निकल जाता है। वैसे ही दिल्ली में हर राज्यों से लोग आते हैं, जिससे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। इसलिए कि देश की राजधानी में इस तरह की सिचुएशन ना हो, इसलिए एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन को 1985 में बनाया गया और बताया गया कि इसका काम यह है कि अगर यहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है या लोगों के लिए रहने की जगह कम पड़ जाती है तो एनसीआर के क्षेत्रों को इस्तेमाल में लिया जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, क्षेत्र के विकास की योजना बनाए। दूसरा, भूमि उपयोग के नियंत्रण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियां विकसित करने के लिए काम करना है। और आपको बता दूं कि एनसीआर में आने वाले जिले यानी डिस्ट्रिक्ट उनके संबंधित स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शासित होते हैं। यूपी सरकार, नोएडा, गाजियाबाद और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन पर यूपी सरकार का कंट्रोल होता है। ऐसे ही हरियाणा सरकार गुड़गांव, फरीदाबाद को नियंत्रित करती है और राजस्थान सरकार अलवर एंड भरतपुर को नियंत्रित करती है। और आपको बता दूं कि दिल्ली को छोड़कर एनसीआर को सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन यानी सीएनसीआर भी कहा जाता है। ये 2021 में किया गया। और एक फैक्ट और है कि दिल्ली एनसीआर का केवल 2.9% हिस्सा है। और अब बात करते हैं ओल्ड दिल्ली के बारे में। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो पुरानी दिल्ली मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1639 से 1648 के बीच बनाया गया एक शहर है। जब शाहजहां ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया और 1857 तक मुगलों की राजधानी के रूप में कार्य किया।
और 1857 के बाद उसका शासन समाप्त हो गया। पुराने दिल्ली बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित 1314 गेट वाली दीवारों वाला शहर था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने इस खूबसूरत शहर को डिजाइन किया था और 14 गेट में से 5 गेट बच गए हैं जो आज भी हैं। कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट और निगम बोध गेट, जो सभी शहर के वैभव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।